किंगडम हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा किंगडम प्रोटिस्टा। क्या किंगडम प्रोटिस्टा, एक बार बेटा इसके फीचर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में क्या है, यूकेरियोट है, प्रोकेरियोट तो खाली मोनेरा है, प्रो तो यूकेरियोट है, ठीक है। कैसा है बेटा ये, प्रेजेंट इन सम, क्या सेल वॉल होती है, ठीक। सेल वॉल किस में नहीं होती, एनिमल में नहीं होती भाई थी, और या माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। अगला बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, प्रेजेंट है, यूकेरियोट तो प्रेजेंट तो होगी होगी, तभी तो यूकेरियोट है। अगला क्या है, सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर नहीं, मल्टी सेल्यूलर कहाँ से चालू होते हैं, प्लांट एनिमल और फंगी, बस यही होते हैं, ठीक। और ये कैसे होते हैं प्रोटिस्टा भैया, ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेप्रोफाइट या पैरासाइट कभी भी नहीं होते हेटरोट्रॉप में, ऑटोट्रॉप होंगे तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। बेटा चलो इनके बारे में अब पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो बेटा इनका नाम देख लो, प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। क्या प्रोटोजोआ, आओ बेटा जरा नोट्स की तरफ को रुक करते हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन से क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स की वजह से, क्या क्राइसोफाइट्स की वजह से, बेटा जरा ध्यान देना। क्राइसोफाइट्स जैसे मैंने तुमको, जब मैं तुमको पढ़ा रहा था ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलूं तो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो बेटा अगर मैं क्राइसोफाइट्स बोलूं तो आप डाई एटम समझ लेना, क्या डाई एटम्स, क्या नाम है, क्राइसोफाइट्स बोलूं तो तुम क्या समझोगे, ड्राई डाई एटम्स, ठीक है। और गोल्ड एल्गी भी बेटा इसका एक एग्जांपल है, गोल्ड एल्गी जैसे ब्लू ग्रीन थी, यहाँ पर गोल्डन एल्गी होती है, तो गोल्डन एल्गी को बेटा एक नाम डिसमिड्स भी बोलते हैं, डिसमिड्स क्या डेडस्मिड्स भी बोलते हैं। अगला भाई इनके बारे में बात करें तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, सोप शेप की होती है, सोप बॉक्स की तरह होती है, ओवरलैपिंग होती है। शीप देखी है तुमने, ये देखो ओवरलैपिंग, या वो देखा तुमने वो जिसके अंदर एक मोती जैसा होता है शीप, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ, तो वो कुछ के बॉक्स जैसे दिखाई देता है ना, सोप बॉक्स की तरह, क्यों, ओवरलैपिंग होती है, क्या देते हैं ओवरलैपिंग, मतलब शेल पे शेल पे शेल पे शेल, शेल पे शेल, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओवरलैपिंग। जो क्राइसोफाइट्स है डायएटम्स होंगे वो बेटा कैसे होंगे, शोप शेप के होंगे, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी होगी, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग सेल्स होंगे, तो इस तरह का सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर, इसका मतलब ये जैसे पानी बहेगा उस फ्लो में वो बहती चली जाएंगी, तो बेटा इसको हम प्लैंकटोन भी बोलते हैं। प्लैंकटोन का क्या मतलब होता है, प्लैंकटोन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पानी के साथ बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, अपनी कोई वो नहीं है उसकी, अपनी वो नहीं है कोई भी, वो क्या बोलते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं है, पानी यहाँ चला इधर चला मैं उधर चला वाला काम है इसका। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मतलब ये क्या है, खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है। वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो सिलिका की बनी होती है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछ लेते हैं कि बताओ डाई एटम्स की वॉल किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है, या डाई एटम्स क्राइसोफाइट्स का मेन एग्जांपल डाई एटम्स, ठीक। अगला डाई एटम एक ही है ना, नेम ही अलग है, नहीं बेटा एग्जांपल है उसका। अगला देखो डाई एटोमस अर्थ जो बनाते हैं वो ये सिलिका ही बनाते, तो बोलोगे डाई एटोमस अर्थ का क्या मतलब है, बेटा धीरे धीरे ये मर मर के या धीरे धीरे पानी हमारी वॉल में, मतलब ओशन के डीप, मतलब ओशन के कहाँ पे सरफेस पे इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, मरते रहते हैं, गरते रहते हैं, तो वहां पर एक परत बना देते हैं, नौवीं क्लास में बताया था इसके बारे में, एक परत बना देते हैं, क्या बना देते हैं, परत बना देते हैं। तो भाई मैंने बोला कि नाम क्या है, डाई एटम, डाई एटम यहाँ पर जाके इकट्ठे होते चले गए, इकट्ठे होते चले गए, बहुत सारी शेल पिघल कर सिलिका की इकट्ठी हो गई, तो उसको बोल कैसी अर्थ बन गई, एक नई जमीन बन गई, कैसी जमीन बन गई, डाई एटोमिस अर्थ बन गई, क्या डाइएटोमिक अर्थ बन गई, समझ गए। अगला सेल वॉल डिपॉजिट हो के, समझ गए ना। अगला इसका यूज क्या है भाई, इसको बाहर निकाल कर पॉलिश बनाने में यूज होता है इसका, फिल्टरेशन के अंदर ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में भी बेटा इसका यूज कर लेते हैं। अगला डाई एटम्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीफ प्रोड्यूसर है ऑफ इस ऑफ ये ओशन के अंदर। ये चीफ प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है बेटा, चीफ प्रोड्यूसर का मतलब होता है, तो बेटा डाई एटम्स को चीफ प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, क्या है ये, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो अपना खाना खुद बना सकता है, तो बेटा चीफ प्रोड्यूसर मतलब ओशन के अंदर सबसे ज्यादा भोजन बनाने वाले, एनर्जी बनाने वाले कौन है, डाई एटम्स। तो नीट में क्या क्वेश्चन होता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कौन है, तो वहां पर क्या होगा, एक ऑप्शन होगा डाई एटम, ठीक है बेटा। अगला है डाइनो फ्लैजिलेट्स, डाइनो मतलब दो, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला और प्लेट्स। ये फ्लैजिला क्या होता है भाई, फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखो बेटा
बी। तो ये फ्लैजिला एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको मूवमेंट में मदद करता है। क्या करता है? मूवमेंट में। और इसमें कितने फ्लैजिला है? टू, एक देखो ऊपर और ये देखो ये नीचे, ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल। दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे ना, ये दोनों फ्लैजिला क्या करते हैं बेटा, इसको पानी में मूव कराने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये पानी के करंट के ऊपर नहीं है, इधर चला उधर चला वाला सीन नहीं है इसका। इसका तो है मैं जहाँ चाहूँ वहीं को चलूँ, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, मैराइन भैया पानी के अंदर, ऊपर वाले भी क्या था, मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं। फोटो सिंथेटिक है, ये भी क्या है, फोटो सिंथेटिक है। कलर कैसा है इनका, येलो ग्रीन ब्लू रेड इस तरह के दिखाई देते। क्यों? फिर इसके अंदर क्या है, पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को कलर देने वाला। हाँ, हमारे बालों के अंदर ब्लैक पिगमेंट होता है। हाँ जैसे, हाँ वेरी गुड। सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है स्टिव सेल्यूलोस प्लेट ऑन सरफेस। और इनकी बेटा सेल वॉल किस चीज की बनी है, सेल्यूलोस की। इसका मतलब हार्ड है, मतलब क्या है, ड्यूरेबल है। अगला, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, मैंने दिखा दिया। अब बेटा ये किसी भी कलर में मिल सकते हैं, येलो ग्रीन ब्लू रेड कलर में, सबसे ज्यादा रेड कलर में मिलते हैं, सबसे ज्यादा। तो जब समुद्र के अंदर बेटा रेड टाइड आती है ना, मतलब लहरें आती हैं जो लाल कलर की दिखाई देती हैं, वो बेटा इन्हीं की वजह से होती हैं। रेड टाई इन रेड इन सी बेटा किसकी वजह से होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। ये रेड कलर देती हैं टाइड्स को, इतनी सारी हो जाती हैं कि रेड दिखाई देती हैं। पानी की लहरें क्या दिखाई देती हैं, रेड दिखाई देती हैं, ठीक है। और जो ये डायनोफ्लैजिलेट रेड कलर की होती है, उसका एक स्पेशल नाम है, उसका नाम है बेटा क्या, गोनियोलेक्स। क्या नाम है, गोनियोलेक्स। क्या नाम है बेटा, गोनियोलेक्स। अगला, ये बेटा कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, कुछ जहर भी अपने अंदर से निकालते हैं, जिससे कुछ मैरीन एनिमल मर जाते हैं। बेटा दो हो गए, जो मैं बता रहा हूँ बेटा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना नीट के लिए ना सीबीएसई के लिए। अगला क्या है, युगलिनॉइड्स। क्या नाम है बेटा, युगलिनॉइड। युगलिनॉइड जो होगा फ्रेश वाटर में ही मिलेगा, क्या, फ्रेश वाटर में। हाँ, तो ये बेटा ओशन में तो मिलेगा नहीं, और बेटा जो पानी होगा वो भी स्टैग्नेंट, मतलब रुके हुए पानी में मिलता है, मतलब नदी में तो मिलेगा नहीं, पॉन्ड वगैरह में ही मिलेगा, समझ गए। अगली बात, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास क्या होती है, जो लेयर होती है प्रोटीन रिच होती है। कैसी होती है, प्रोटीन रिच, ठीक है। अच्छा, तो बेटा जो प्रोटीन की लेयर होती है ना, वो बेटा सख्त तो होती नहीं, फ्लेक्सिबल होती है प्रोटीन की, तो वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल। कैसे होती है, फ्लेक्सिबल। तो उनकी बॉडी कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो बेटा जो प्रोटीन की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। और जिसकी वजह से वो बन जाते हैं फ्लेक्सिबल। कितना याद, आसान है याद करने में, पेलिकल जो बनाए फ्लेक्सिबल, है ना। अगला, इसके अंदर भी टू फ्लैजिला है, एक छोटा एक बड़ा। क्या, एक छोटा एक बड़ा। फोटोसिंथेसिस करते हैं अगर सनलाइट मिल जाए तो, अगर सनलाइट मिल जाए ना युगलिना को, क्या, तो बेटा फोटोसिंथेसिस कर देगा, ठीक है। युगलिना यही है, ये देखो यार ना, बी है ना। अगर मिल जाए, ये पैरामीशियम है, पैर जैसे देखते, देखो चप्पल जैसे लग रहा है ना, पैरामीशियम, पैर मतलब पैर से पैरामीशियम याद करना आसान हो गया, देखो सैंडल जैसे शेप है बिल्कुल। अब मैंने क्या बताया तुमको कि फोटोसिंथेसिस करेगा अगर सनलाइट मिल गई तो युगलिना इसका एग्जांपल है। अगर नहीं मिली सनलाइट तो हेटरोट्रॉप बन जाएगा, क्या, हेटरोट्रॉप बन जाएगा। और जो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट मिलता है वो कौन सा मिलता है, वही हायर प्लांट वाला क्लोरोफिल। अगला देखो, स्लाइम मोल्ड्स। क्या है बेटा, स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड के बारे में, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, याद रखना। ये तो किंगडम कौन सी पढ़ रहे हैं इस टाइम हम, बोलो, किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेटा ये सारे के सारे जितने भी हमने पढ़े, ऑटोट्रॉप पढ़ा, क्रायसोफाइट्स कहते हैं डायटम, फोटोसिंथेटिक, डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक, और युगलिना मतलब युगलिनॉइड्स, युगलिनॉइड का एग्जांपल युगलिना है, याद करने में आसान है ना, युगलिना युगलिनॉइड्स। तो इसके अंदर भी मेरा कि भैया सन मिले तो ये भी फोटोसिंथेटिक, लेकिन तो हेटरोट्रॉपिक, लेकिन सेप्रोफाइटिक इसमें से कोई भी नहीं था, मतलब मरे सड़े गले का खाने वाला कोई भी नहीं था। एक ये स्लाइम मोल्ड्स आता है जो इनका नाम बेकार कर देना, कटवा दी इसने, क्या कर दिया इसने, नाक कटवा दी। ऐसा प्रोटिस्टा निकला, ऐसा किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसा प्रोटिस्टा निकला जो सेप्रोफाइट है। क्या है, सेप्रोफाइट, सड़े गले मरे चीजों को खाता है। सूटेबल कंडीशन फॉर्म्स प्लाज्मोडियम, तो इसका एग्जांपल कौन सा है, प्लाज्मोडियम। और बेटा प्लाज्मोडियम से मुझे याद आती है बीमारी, मलेरिया वाली बीमारी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी। अनसुटेबल कंडीशन में, बेटा सुटेबल कंडीशन, मस्त कंडीशन, तो प्लाज्मोडियम बनाएगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी जो उसकी फेवर में नहीं होगी, तब ये स्पोर बनाकर अपनी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अभी जो स्पोर होते हैं जो ये बना लेता है, ये आगे कैसे जाते हैं, तो वही है, पानी के करंट से चले जाएंगे, वाटर करंट से चले जाएंगे, है ना, एयर करंट मेन है, हवा के जरिए ये मूव करते हैं, इधर उधर पहुंच जाते हैं। और बेटा ये स्पोर होते हैं बहुत एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब काफी मजबूत होते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते। अब बेटा एकदम लास्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है प्रोटोजोआ। क्या नाम है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है, ये हेटरोट्रॉप है,
है, क्या है, हेटरोट्रॉप है, लेकिन सैप्रोफाइट नहीं है, क्या है, हेटरोट्रॉप है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो किंगडम प्रोटिस्टा में एक बात तो समझ में आ गई, आधे तो ये ऑटोट्रॉप है और आधे हेटरोट्रॉप है, है ना, तीन तो ऑटोट्रॉप दिख गए और दो सैप्रोफाइट एक है, सैप्रोफाइटिक एक ही है जो जिसने नाक कटवा दी, वो कौन है, कौन है, ये देखो स्लाइम मोल्ड, क्या है, स्लाइम मोल्ड, पतला दुबला लौंडा, स्लिम मतलब स्लिम, स्लिम लड़का, पतला लड़का इनका सबसे बेकार लड़का है इस किंगडम का, ऐसे याद कर लेना, स्लिम मोल्ड मतलब पतला लड़का, खराब लड़का, नाक कटवा के सैप्रोफाइट बन गया, समझ में आ गई, प्लाज्मोडियम बन जाता है फेवरेबल कंडीशन में, नहीं तो स्पोर बनाता है, स्पोर काफी सही होते हैं और एयर के हिसाब से इधर उधर जाते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ो तो क्या है, हेटरोट्रॉपिक, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल, मतलब एनिमल से अगर किसी की रिलेशन निकालें कि भैया जो किंगडम है हमारी, जो ये हमने किंगडम पढ़ रहे हैं अपनी, है ना, ये किंगडम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, तो इस प्रोटिस्टा के अंदर कोई एनिमल से मिलता जुलता भी है, जो जानवर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, एनिमल किंगडम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, हाँ प्रोटोजोआ मिलते जुलते हैं एनिमल किंगडम से, ये नीट में क्वेश्चन बन सकता है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कौन है, तो हम लिखेंगे प्रोटोजोआ। तो फिर भैया ये इस किंगडम में क्यों है, मिलता जुलता है बहुत कुछ, थोड़े बहुत करेक्टर मिलते हैं, जैसे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन पूरी चीज तो नहीं मिलती ना, इसी से मान लेते हैं हम, यही रिलेशन काफी है, ठीक है। बस अगला देखो, इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है अमीबॉइड या अमीबा, अगला फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला, सिलिएटेड सिलिया, स्पॉन्जियस स्पॉन्ज शेप में, आप बोलोगे फ्लैजिला तो पता है, स्पॉन्ज पता है स्पॉन्जी शेप होगी, अमीबा हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, उल्टी सीधी शेप होती है, लेकिन ये सिलिया क्या है बेटा, सिलिया होता है जब कोई स्ट्रक्चर बनाओ, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे ये धागे से निकले हों, अब ये सारे धागे एक साथ हिलते हैं और इसको मूव कराने में मदद करते हैं, मतलब फ्लैजिला भी मूवमेंट में मदद करता है और सिलिया भी मूवमेंट में मदद करता है, ये देख लो इसमें छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं, है ना, मूवमेंट में हेल्प करता है, क्विक मूवमेंट दिलाता है, क्विक मूवमेंट, कैसी, क्विक मूवमेंट। अब अमीबा कैसा होता है भैया, प्रीडेटर होता है, क्या होता है, अमीबा प्रीडेटर होता है या पैरासाइट होता है, क्या, प्रीडेटर होगा, प्रीडेटर होगा मतलब किसी को मार के खाने वाला होगा, तो अमीबा, अमीबा कैसा होता है, मार के खाने वाला, ठीक, और पैरासाइट क्या होता है बेटा, मार के खाने से मतलब नहीं, पहले किसी को मारते हैं फिर खाते हैं, जिंदा कोई खा लेते हैं ना खाने में तो मर ही जाता है पेट में जाके, अब पैरासाइट क्या होता है, जो किसी के ऊपर रहे होस्ट पे, होस्ट से कुछ कुछ सामान खाता रहे, उसको नुकसान पहुंचाता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटामोइबा, क्या, एंटामोइबा या एंटामीबा, एंटामोइबा, ठीक है। अब इनकी शैल कैसी होती है, सिलिका की शैल होती है, सिलिका की शैल एक चीज की और होती है, डाइएटम्स की भी होती है, याद हो गया, तो देखा, अगला देखो फ्लैजिला, फ्लैजिला के मतलब इसके अंदर फ्लैजिल, फ्लैजिला होता है, है ना, तो फ्लैजिला का जो एग्जांपल है वो है ट्राइपैनोसोमा, क्या नाम है, ऐसा प्रोटोजोआ जिस पे फ्लैजिला हो उसका नाम है ट्राइपैनोसोमा, है ना। और बेटा फ्लैजिला के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, किस किस के पास है फ्लैजिला, डाइनोफ्लैजिलेट के पास दो है और अगले बाद युगलिना के पास भी दो है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखो, ये जो ये बीमारी भी पैदा करता है, ये ट्राइपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, किसी में घुस जाए नींद बहुत आती है उसे, कुंभकर्ण को हो गया था ये, बहुत नींद आती, तुम्हें तो नहीं आती, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो ये बाहर निकालना पड़ेगा, यही वाला कीड़ा है, कोई बहुत सोता हो तो क्या बोलियो भाई, तेरे अंदर प्रोटोजोआ घुस गया क्या, फ्लैजिलेटेड वाला ट्राइपैनोसोमा। अगला देखो सिलिएटेड, जिसमें सिलिया हो, बहुत एक्टिवली मूव करेगा, जल्दी जल्दी भागेगा, सिलिया होगी तो, ठीक है, हाँ, तो ये पैरामीशियम जो है ना, पैरामीशियम उसमें यही एग्जाम्पल है, देख रहे हो ना, छोटे छोटे सिलिया है इसमें, ये कैसे भागता होगा, जल्दी जल्दी भागता होगा, तुम काम से भागते हो ना, ऐसे भागता हुआ है, पढ़ाई से भी भागता हुआ, देखो ऐसे भागता होगा। अगला क्या है, स्पोरोन्जिया, क्या, स्पोरोन, स्पोरोन्जिया, इसका ये भी प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है, क्या है इसका नाम, जो स्पोर बनाए वही प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में कौन था, स्लिम मोल्ड, पतला लड़का, क्या हो गया, ठीक है बेटा, इसके साथ हमारी किंगडम खत्म होती है प्रोटिस्टा।